बसमीम्अल वरमि वर्कू हाउ आर यू डियर स्टूडेंट दिस इज़ योर इंग्लिश पीरियड फर्स्ट रिसाइट दुआ विद मी ओ माय लॉर्ड इनक्रीज़ माय नॉलेज ओपन युअर वर्कबुक पेज नंबर फ़ोटी फ़ोर बेटे दिस इज़ योर पेज नंबर फोर्टी फ़ोर बेटे वॉट इज़ द टॉपिक प्रेजेंट कंटिूस प्रेजेंट कंटिवस इट टेल्स अस अबाउट वॉट इज़ हैपनिंग नाउ वो काम जो अभी अभी हो रहा है कंटिन्यू है उसके बारे में हमें कौन बताता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूस बेटे राइट दिस डेफिनेशन ओवर हेयर ओके प्रेजेंट कंटीन्यूस चेंस कैन बी मेड बाय एडिंग एस आर और एम बिफोर द वर्ब एंड एडिंग आई एन जी टू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर एग्जाम्पल आई एम रीडिंग अ बुक इसमें वर्ब क्या है बेटे रीड ठीक है वर्ब क्या है रीड और रीड कौन सी फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके आगे हमने क्या लगा दिया आई एन जी ये बन गया रीडिंग और वर्ब से पहले हमने क्या लगा दिया हेल्पिंग वर्ब कहीं हम एम लगाते हैं कभी इस लगाते हैं कभी आर लगाते हैं पता है ना आपको आई के साथ क्या लगता है एम आई एम रीडिंग अ बुक अगर मैं कहूँ ही तो मैं क्या बोलूँगी ही इज रीडिंग अ बुक शी शी इज रीडिंग अ बुक यू यू आर रीडिंग अ बुक दे दे आर रीडिंग अ बुक वो वी आर रीडिंग अ बुक इट इट इज रीडिंग अ बुक तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है और वर्ब के साथ आई एन जी लगाना होता है ये दो चीजें मस्ट होती हैं बेटे इफ़ यू वॉन्ट टू मेक द प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस ओके हेल्पिंग वर्ब एंड द आई एन जी विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्क यह भी हम और प्रैक्टिस करेंगे तो इनशल्ला आपकी समझ में और आएगा डिस्क्राइब द पिक्चर यूजिंग प्रजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंसेस हेयर यू हैव बीन गिवेन अ पिक्चर एंड यू हैव टू डिस्क्राइब द पिक्चर यूजिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सो फर्स्ट सी व्हाट्स इन द पिक्चर यस दिस इज़ अ ट्री एंड द लीव्स आर फॉलिंग डाउन है ना ये जो लीव्स नीचे पड़े हैं इसका मतलब क्या ये लीव्स कहाँ से आए ये यहाँ से गिरे हैं ठीक है लीव्स के ट्री के ऊपर कौन बैठी हुई है स्क्वाल बैठी हुई है ये दो बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पर खेल रहे हैं लीव्स के साथ ये क्या कर रहे हैं ये एक आदमी है जो बाहर देख रहा है यहाँ पर तीन लोग हैं जो आ रहे हैं ठीक है बेटे और ये देखें यहाँ से ये स्मोक भी निकल रहा है तो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस के कितने सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं सो वी स्टार्ट विथ द चिल्ड्रन चिल्ड्रन क्या लिखेंगे अब हम चिल्ड्रन और चिल्ड्रन के साथ हम क्या लगाएंगे आर चिल्ड्रन आर प्लेइंग है ना प्ले क्लिक कर आई एन जी लगाएंगे चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद द लीव्स नंबर वन सेंटेंस लिखिए चिल्ड्रेन आर प्लेइंग विथ दीस चिल्ड्रेन और प्ले बेटे इसमें वर्ब है ना तो चिल्ड्रेन और प्ले के बीच में हमने क्या लगा दिया हेल्पिंग वर्ब लगा दिया कौन सा लगा दिया आर चिल्ड्रेन प्लूरल है प्लूरल के साथ क्या आएगा आर चिल्ड्रेन आर प्ले और प्ले के बाद हमें आई एन जी लगाना है चिल्ड्रेन आर प्लेइंग विद द लीव नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे बेटे hmm, अच्छा ये लीव कहाँ से आए थ्री पर से आए तो हम ये लिख दें आर फॉलिंग डाउन लीवस आर फॉलिंग डाउन राइट हि रीड लीव आर फॉलिंग डाउन अब लीव्स के साथ भी हमने आर लगाया है ना क्योंकि ये भी प्लूरल है लीव्स आर फॉल फॉल इज अ वर्ब उसके बाद हमने क्या लगा दिया आई एन जी लीवस आर फॉलिंग डाउन वेन यू राइट द सेंटेंस बेटर टेक केयर ऑफ सेंटेंस बिगिनस विद द कैपिटल लेटर एंच विद द फुल स्टॉप एंड द फिंगर स्पेस बिटवीन द वर्ड्स ओके नाउ वॉट कुड बी द थर्ड सेंटेंस दे आर कमिंग सो वॉट वी कैन राइट पीपल आर कमिंग पीपल आर कमिंग पीपल आर कमिंग पीपल भी क्या हैं प्लूरल है ना बेटे तो हमने क्या लगा दिया आर और कम के साथ आई एन जी लगा दिया जब हम कमिंग लिखते हैं तो ई नहीं आता है सी ओ एम आई एन जी एंड द फुलटॉप नाउ वॉट कुड बी द नेक्स्ट पिक्चर अच्छा ये बाहर देख रहे हैं ना तो हम क्या लिख सकते हैं द मैन इज लुकिंग आउटसाइड ओके और हम लिख सकते हैं अ मैन इज लुकिंग एट द पीपल और हम लिख सकते हैं अ मैन इज लुकिंग एट द ग्राउंड ठीक है कुछ भी कर सकते हैं आई है मैन इज लुकिंग आउट साइड यहाँ मैंने इस क्यों यूज़ किया है बेटे क्योंकि अ मैन सिंगुलर है सिंगुलर के साथ क्या यूज़ करेंगे इस और लुकिंग में लुक के बाद क्या आ गया आई एन जी ओके नाउ वॉट कुड बी द नेक्स्ट सेंटेंस जो स्मोक बाहर आ रहा है ये लिख लें इसका क्या होगा इसका सेंटेंस द स्मोक इज कमिंग आउच है ना द स्मोक इज कमिंग आउच सी द स्मोक

एंड सेट के बाद क्या लगा दिया हमने आई एन जी एस आई डबल टी आई एन जी द स्क्र इज सिटिंग ऑन द ट्री ओके बेटे डू दिस वर्क नीटली एंड नाइसली जजाकल्ला खैरन कसीरा अलिकम वरम्ब वर्कू